नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दस्तक एकेडमी के चैनल पर। गाइस, इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कंप्यूटर से 150 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, अच्छी क्लास होने वाली है। आप सभी लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और राइट साइड बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लो। ठीक है, वीडियो को फटाफट शेयर करना है। चलिए क्वेश्चन हम सभी स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इससे आप सभी लोगों को 10 से 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चनों में से 10 से 12 क्वेश्चन 100% श्योर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, 2-3 बार देख कर जाना है, रट लीजिएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन बना देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, बताना है इसमें से। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है जी फ्रेंड्स? वान न्यूमान का है। ठीक है, याद रखिए डी करेक्ट इसका, वान न्यूमान का है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आप सभी, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ? ठीक, तो करेक्ट आंसर इसका क्या निकला है, तीसरे का करेक्ट है डी, चार्ल्स बैबेज ने बनाया। ठीक है, डी करेक्ट है, याद रखिए SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? तो किस वर्ष हुई सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज? 4 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, 1946 में हुई। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है गाइस? तो करेक्ट आंसर 5 का निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के संचालन में प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाकलापों से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 6 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है गाइस? नियंत्रक भाग क्या कहलाता है कंप्यूटर का? 7 का करेक्ट है इसका सी, CPU कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? ठीक, ब्रेन कहते हैं। तो करेक्ट आंसर 8 का निकल कर क्या रहा जानिए आप सभी, करेक्ट है इसका सी, यानी कि CPU। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नवा क्वेश्चन क्या बना है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है गाइस, क्या है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग? CPU। ठीक है, CPU है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है गाइस, क्या कहलाता है? 10th का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, चिप। ठीक है, मेमोरी कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो किसने किया है इसका, 11 का करेक्ट है इसका सी, JS Kilby ने किया। ठीक, JS Kilby ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC पर किसकी परत होती है, किसकी परत होती है बताना है इसका, करेक्ट आंसर 12 का निकल रहा है ए, सिलिकॉन की परत होती है। ठीक, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है बताना आप सभी को, 13 का करेक्ट आंसर निकल रहा है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, 13 का करेक्ट है ए, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? 14 का राइट आंसर निकल रहा है बी, बिट से मापते हैं। ठीक है, मेगाबाइट यानी MB बोलते हैं, को मापते हैं, किससे मापते हैं मेगाबाइट को? 15 का करेक्ट है डी, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ठीक, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है गाइस, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? 16 का करेक्ट है ए, बाइट है। ठीक, 1024 बाइट बराबर होता है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? डी करेक्ट है 1 KB। ये गाइस आपका क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2010 में। ठीक है, करेक्ट आंसर है 1 KB। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, 18 क्वेश्चन देखिए, 18 क्वेश्चन, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है या फिर क्या कहलाता है बग? तो करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है 18 का ऑप्शन नंबर बी, एरर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 क्वेश्चन क्या बनना है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है गाइस, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है बताना आप सभी को, करेक्ट आंसर 19 का निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, स्टोरेज से संबंधित है। ठीक, PC का अर्थ क्या होता है गाइस बताना आप सभी को, PC का अर्थ क्या होता है? ठीक, 20 का करेक्ट आंसर निकल रहा है सी, व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है PC का फुल फॉर्म। ठीक, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? 21 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन क्या बना है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जी फ्रेंड्स बताओ आप सभी, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वर्क करता है?
तो करेक्ट आंसर इसका निकल कर क्या आ रहा है, यानी आप सभी 22 का राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए गणना, ठीक। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, तो 23 का करेक्ट है ए लेजर प्रिंटर, ठीक। याद रखिए सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है 24 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये होते हैं परिकलन क्षमता व बृहत स्मृति भंडार, ठीक है, सी करेक्ट है इसका, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो 25 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ए द्विआधारी अंक पद्धति, ठीक, ए करेक्ट आंसर इसका भी निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन क्या है, देखिए आप सभी, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है बताना है इसमें से, ठीक है। 26 का राइट आंसर इसका निकल रहा है सी फोरटेन, ठीक है, फोरटेन है, सी करेक्ट है। कंप्यूटर भाषा फोरटेन किस क्षेत्र में उपयोगी है, कंप्यूटर भाषा फोरटेन किस क्षेत्र में उपयोगी है, 27 का करेक्ट है सी विज्ञान। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए प्रयोग की जाती है, कोबोल किसके लिए प्रयोग की जाती है, कोबोल। 28 का करेक्ट है ए व्यावसायिक कार्य के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी, देखिए किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, तो किस भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है बताना है, ठीक है। 29 का राइट आंसर निकल रहा है सी कोबोल, ठीक। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है, तो करेक्ट आंसर 13 निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोरटर्न, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या बना है, देखिए आप सभी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कौन सी है, गाइस बताना है, ठीक। 31 का करेक्ट है सी कोबोल, ठीक। किसी भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो किस भाषा में सबसे अधिक उपयोगी डॉक्यूमेंटेशन संभव है बताना है, ठीक। 32 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है बी कोबोल, ठीक। फोरटर्न एल्गोल पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को न्यू का पत्थर कहा जाता है, तो 33 का करेक्ट आंसर निकल रहा है अभी बेसिक। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, और प्लीज़ शेयर जरूर करिए, आप सभी लोग फटाफट शेयर करिए, ठीक। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, फोरट्रान, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 क्वेश्चन क्या है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है। तो 35 का राइट आंसर निकल रहा है इसका डी, यानी कि प्रारंभिक में सरल भाषा को सिखाने हेतु, ठीक। कंप्यूटर जिसे कंप्यूटर समझता है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है, क्या कहलाती है, 36 का राइट आंसर निकल रहा है बी मशीनी भाषा, ठीक, बी करेक्ट है, याद रखिए। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है, तो करेक्ट आंसर 37 का निकल रहा है सी सन माइक्रोसिस्टम सिस्टम, ठीक, सन माइक्रोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, क्या समझ सकता है गाइस, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश, ठीक, ए करेक्ट आंसर इसका भी निकल रहा है। कंप्यूटर ग्रिड होता है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है, 39 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका क्या, ऑप्शन नंबर बी एक सॉफ्टवेयर असंरचना जिससे जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ठीक। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, ठीक है, बिल गेट्स, ठीक, याद रखिए इसका डी करेक्ट आंसर है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं है। ओरेकल है, ओरेकल क्या है इसे बताना आप सभी को, ठीक। तो 41 का करेक्ट आंसर निकल रहा है सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक, ओरेकल। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, 42 का करेक्ट है इसका डी, इनमें से कोई नहीं, सॉरी इनमें से सभी है, ठीक, वर्ड स्टार भी है, पेज मेकर भी है, एमएस वर्ड भी है, ठीक, सारे याद रखिए। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, किस चीज़ का सुरक्षा करती है, तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, ठीक, याद रखिए सी करेक्ट इसका भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाए देखिए आप सभी, 44 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा आंतरिक करने की अनुमति देता है, ठीक है, तो कौन देता है बताना है, इसका करेक्ट आंसर 44 का निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी मॉडेम, ठीक है, याद रखिए। 45 क्वेश्चन क्या है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, 45 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ए
वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर किस देश में बताना है? करेक्ट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताना आप सभी को 47 का करेक्ट आंसर निकल रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एक बिट में होते हैं, एक बिट में कितना क्या होता है बताना है। ठीक, करेक्ट आंसर निकल रहा है यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर ए, 8 बिट। ठीक, एक बिट में होते हैं 8 बिट, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है बताना है। ठीक, 49 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ए, बेंगलोर में। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है कौन सा है बताना है। ठीक, तो इनिक है, ENIAC, इनिक। ठीक, ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है कौन सा है? 51 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है गाइस? 52 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 53 क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, अभी बताया मैंने। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? 53 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, पॉल एलन एवं बिल गेट्स। ठीक, दोनों ही याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर 54 का निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, पॉल एलन। ठीक है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है गाइस? किसे कहते हैं सूचना राजपथ? 55 का करेक्ट है इंटरनेट को। ठीक है, डी करेक्ट है, इसका भी याद रखिए। 56 क्वेश्चन क्या बना, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, बताना इसका 56 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, रे टॉमलिंसन को। ठीक है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया? पेटीएम चिप का आविष्कार किसने किया था? विनोद धाम ने किया था। ठीक है, डी करेक्ट। देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन बना है, 58 क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? 58 का करेक्ट आंसर निकल रहा है सी, प्रोग्राम में एक गलती है। ठीक, इंटरनेट के क्षेत्र में WWW का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो करेक्ट आंसर 59 का निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए करेक्ट है, याद रखिए। CPU का अर्थ क्या आएगा, यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है CPU का? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए करेक्ट है, इसका भी याद रखिए आप सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, 62 क्वेश्चन देखिए आप सभी। देखिए CAD का अर्थ क्या है गाइस? CAD का अर्थ बताना आप सभी को। ठीक, 62 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर एडिड डिजाइन। ठीक, याद रखिए। IBM का पूर्ण रूप क्या है गाइस? IBM का पूर्ण रूप बताना है। ठीक, करेक्ट आंसर 63 का निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट बिजनेस मशीन। ठीक, इंटरनेट बिजनेस मशीन। CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है गाइस? 64 क्वेश्चन में बोल रहा है CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक, बी करेक्ट है, याद रखिए। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो करेक्ट आंसर 65 का निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना देखिए आप सभी, देखिए 66 क्वेश्चन क्या है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार माने जाते हैं, कौन है WWW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टिम बनर्स ली। ठीक है, 66 का करेक्ट है सी, याहू गूगल एवं MSN है। क्या है ये सभी? 67 का करेक्ट है ए, इंटरनेट साइट्स हैं सभी। ठीक, इंटरनेट साइट यानी ब्राउजर है। ठीक, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? का करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा कौन नहीं है बताना है। ठीक है, 69 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, फास्ट। ठीक है, याद रखिए ए सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 70 क्वेश्चन क्या बनना है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, कौन नहीं है बताना है इसमें से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा जानिए आप सभी, 70 का करेक्ट आंसर है सी, प्रकाश भंडारण। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? बी करेक्ट है, वॉल्वर था। ठीक है, याद रखिए बी करेक्ट है। अनुपम क्या है गाइस, अनुपम क्या है? 72 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक, 73 क्वेश्चन क्या बना है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो करेक्ट आंसर 73 का निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, सी डैक ने। ठीक,
कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताना है, ठीक है। 74 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए बिट। माइकल एंजेलो वायरस है, कैसा वायरस है बताना है। 75 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, याद रखिए डी करेक्ट है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा लागू होती है। 76 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, मशीनी भाषा, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। 77 क्वेश्चन क्या है, एप्पल क्या है गाइस, एप्पल क्या है गाइस। 77 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, ठीक है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन में संप्रेषित करती है, वह है, तो वह क्या है। 78 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम है, ठीक है, याद रखिए। 79 क्वेश्चन क्या है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो कौन सा है गाइस। 79 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिए बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सी भाभापुरा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो कौन सी है परियोजना बताना है। 80 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी अनुपम, ठीक, डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, एक बाइट बना होता है, किससे बना होता है बताना है, ठीक। 81 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 द्विआधारी अंकों का, ठीक है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यता प्रयुक्त एकक है, यानी कि यूनिट है। तो 82 करेक्ट आंसर निकला है 82 का ऑप्शन नंबर सी, बिट प्रति सेकेंड, ठीक, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 83 क्वेश्चन क्या बना चाहिए, देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या आगा इस बताना है, ठीक है। तो 83 का करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, यानी चारों सभी ये सभी सही है, ठीक, याद रखिए। कंपाइलर क्या है गाइस, कंपाइलर बताना है इसमें से क्या है, तो करेक्ट आंसर 84 का निकल कर आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, ठीक, याद रखिए सी करेक्ट है। असेंबलर का कार्य है गाइस, असेंबलर का क्या कार्य बताना है। 85 का करेक्ट है सी, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, ठीक, असेंबलर, याद रखिए। स्पैम किस विषय से संबंधित है, स्पैम। 86 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ए, कंप्यूटर से संबंधित है स्पैम, ठीक। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक। 87 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ई, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। 87 क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, ठीक, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है, ठीक है। 88 का करेक्ट आंसर निकल रहा है डी, पिनाका, एकीकृत परिपथ यानी कि IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ, तो IC से किस पीढ़ी का जन्म हुआ बताना है आपको। 89 का करेक्ट है सी, तृतीय पीढ़ी का, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, क्या अवयव था, बी करेक्ट है, बृहद एकीकृत परिपथ, ठीक है, बी करेक्ट है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, तो कौन सा कंप्यूटर है। 91 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, याद रखिए बी करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया धन्यवाद, और जिन लोगों ने लाइक किया उनका भी धन्यवाद, ठीक। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया लाइक सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करिए आप सभी लोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 92 क्वेश्चन क्या बना आज, देखिए आप सभी, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, ठीक, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है। 92 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, सी ब्रेन, ठीक है, अरनेट क्या है गाइस, अरनेट क्या है। 93 का करेक्ट आंसर निकल रहा है सी, विश्व टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाने वाला नेट, ठीक है, ये अरनेट है। जब इंटरनेट का प्रयोग या फिर उपयोग संदेश प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यह सुविधा कहलाती है, कौन सी सुविधा कहलाती है। 94 का करेक्ट है सी, ईमेल सुविधा कहलाती है, ठीक, याद रखिए सी करेक्ट है। प्रदेश है गाइस, प्रदेश क्या है बताना आप सभी को, ठीक है। 95 का करेक्ट आंसर निकल रहा है सी, कंप्यूटर भाषा है, ठीक, याद रखिए सी करेक्ट है, कंप्यूटर भाषा है प्रदेश। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है, ठीक। 96 का करेक्ट है इसका डी, निर्वात ट्यूब, ठीक। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। 97 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका ए, द्विआधारी अंक पद्धति, ठीक है, ए करेक्ट है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है, कौन करता है माउस जैसा कार्य बताना है। 98 का राइट आंसर निकल रहा है डी, ट्रैक बॉल, ठीक। लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट क्या है, बी करेक्ट है, एक प्रकार का सर्किट है, ठीक, एक प्रकार का सर्किट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है, टैली सॉफ्टवेयर का यूज किसके लिए किया जाता है बताना है, ठीक है। तो 100 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका डी, यानी कि अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। याद रखिए, इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ठीक है। तो 101 का राइट आंसर निकल रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम, ठीक है। IBPS क्लर्क 2011 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित बताना है। 102 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका सी, गणना एवं तर्क पर। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। 103 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 104 क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो कौन है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, TCS, ठीक, कौन है, TCS सॉफ्टवेयर कंपनी है सबसे बड़ी, TCS याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी, 105 क्वेश्चन क्या है, CRAY क्या है गाइस। डी करेक्ट है, सुपर कंप्यूटर है ये वाइस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है गाइस, सी करेक्ट है, सीएटल में, ठीक है, सीएटल में। LCD का पूर्ण रूप क्या होता है गाइस बताना है, LCD का पूर्ण रूप होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, याद रखिए। डी करेक्ट है, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है गाइस, ठीक है। तो 108 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ए, रैम में, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 109 क्वेश्चन क्या, कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है, मेमोरी या फिर स्मृति क्या कहलाती है, ठीक, को क्या कहते हैं, अभी क्या कहलाती है। 109 का करेक्ट आंसर निकला इसका ऑप्शन नंबर बी, रोम। निम्न में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है, ठीक है, निर्गम उपकरण नहीं है, कौन नहीं है, सी करेक्ट है, प्रकाशित लक्षण अभिज्ञाता, सी करेक्ट है। कंप्यूटर वायरस है, कैसा वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस, ए करेक्ट है, ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके, ठीक है, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं, कितने किलोबाइट के बराबर होती है, कितने बाइट के बराबर होती है बताना, ठीक है, 10 लाख बाइट लगभग होती हैं बाइट्स। तो 112 का करेक्ट आंसर निकल रहा है सी, मेगा बाइट्स के बराबर होती है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है, सही उत्तर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या निकला है, 113 का राइट आंसर सी, 1, 2 दोनों सही, पहला भी सही दूसरा भी सही, ठीक, दोनों सही याद रखिए, करेक्ट है सी। देखिए फ्रेंड्स, 14 क्वेश्चन क्या बना है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ठीक है, फोर्ट्रान की गई थी, याद रखिए सी करेक्ट है। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, किसकी बनी होती है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है, डी करेक्ट है, सिलिकॉन की, ठीक है। UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में, ठीक, याद रखिए। निम्न में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है, CRT का हिस्सा कौन नहीं है, 16 का करेक्ट है डी, गैस प्लाज्मा, SSC 2011 में यूज किया गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बना है, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो 117 का करेक्ट आंसर निकला है इसका सी, अर्धचालक लेजर, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। 118 क्वेश्चन क्या है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, 118 का करेक्ट आंसर इसका क्या निकला जानिए आप सभी, इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न प्रयोग से, किस प्रयोग से संभव हो सका, 119 का करेक्ट आंसर निकल रहा भी, समाकलित परिपथ चिप, ठीक है, समाकलित परिपथ चिप। 120 क्वेश्चन क्या माने, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं, ठीक है, तो किसको कहते हैं बताना है। 120 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखिए, क्या करेक्ट है, ए। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है बताना है। 121 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी, बग, ठीक है, याद रखिए। 122 क्वेश्चन क्या है, इनेक क्या था गाइस, इसे बताना है आप सभी को, ठीक है। 122 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका बी, कीबोर्ड था, ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, याद रखिए, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आप सभी, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, ठीक है, एक यंत्र सामग्री नहीं है, कौन नहीं है, डी करेक्ट है, प्रचालन तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का यूज किस में किया जाता है, 124 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, पदांश डाटा संशोधन हेतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, 125 क्वेश्चन क्या है, एक पेन ड्राइव
है। एक पेन ड्राइव क्या होती है बताना आप सभी को, ठीक है। तो 125 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है सी, एक हटाया जाने वाला द्वितीय भंडारण एकक, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है गाइस? 126 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है सी, कंस्ट्रलर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, कंस्ट्रलर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, याद रखिए इसका करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी। जब कोई कंप्यूटर को एक छोटी सी क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों को परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बताना है, ठीक है। 127 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है बताना है। 128 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका बी, सेमी कंडक्टर द्वारा, ठीक है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो कौन सी निवेश युक्ति बताना है, माउस, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 130 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है बताना है, व्यक्तिगत नेटवर्क, ठीक है। MB का प्रयोग किया जाता है, MB का प्रयोग किसमें किया जाता है, 131 का करेक्ट आंसर निकल रहा है मेगाबाइट्स के लिए, ठीक है। मूल निवेश निर्गमन प्रणाली यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, किस में विद्यमान रहती है, 132 का करेक्ट है बी, यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में, ठीक है, बी करेक्ट है। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना, कंप्यूटर का जाल क्रमित करना का मतलब क्या होता है, 133 का करेक्ट है डी, उपयुक्त सभी होता है, याद रखिए पढ़ लीजिए, सभी होते हैं, याद रखिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, इनमें से कोई नहीं, याद रखिए इसका डी करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि चार्ल्स बेबेज ने किया था, ठीक है, याद रखिए। कंप्यूटर की भाषा में एक मेगाबाइट में कितना बाइट होता है, ठीक है, एक मेगाबाइट में कितना बाइट होता है कंप्यूटर भाषा में, 135 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, 1048576 बाइट्स होता है, याद रखिए बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी डी करेक्ट था इसका, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, लंबाई का परास कैसा क्या होता है, ठीक। 136 का करेक्ट आंसर निकला है सी, 64 बिट तक, पारैम का एक उदाहरण, पारैम का एक उदाहरण क्या होता है इस बताना है। 137 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ए, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ, कहाँ पर हुआ बताना है, ठीक है। 138 का करेक्ट आंसर निकला पुणे में। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, क्या नष्ट करता है, 139 के करेक्ट है सी, प्रोग्रामों को, ठीक है, सी करेक्ट है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, क्या है गाइस, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर का टेलीफोन लाइन को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, 141 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी, मॉडेम, ठीक है, याद रखिए बी करेक्ट है, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो 142 को करेक्ट आंसर निकल रहा है सी, हार्डवेयर को, ठीक है। डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, डाटा मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, 1, 2, 3 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर, ठीक है, याद रखिए सी करेक्ट है। सी डी रोम एक क्या है गाइस बताना है, ठीक है। 144 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी है, ठीक है, याद रखिए। 145 क्वेश्चन क्या बना, देखिए आप सभी, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इसके साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहते हैं, 145 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है डी, मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, ठीक, याद रखिए डी करेक्ट है, मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए आप सभी, कंप्यूटर को बताती है कि इससे उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना, देखिए आप सभी, देखिए सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं का उदाहरण है, कैसा उदाहरण है जानिए आपसे। 147 का करेक्ट आंसर इसका निकल रहा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाई लेवल, लगभग 100 मेगाबाइट एक डाटा रेट होता है, किसके बराबर होता है, 148 का करेक्ट आंसर निकल रहा है इसका सी, यानी गीगाबाइट के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 149 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जानिए आपसे भी, देखिए क्वेश्चन क्या बना, माइक्रोसॉफ्ट का एक नवीनतम सिस्टम है, क्या नवीनतम सिस्टम है जानिए आप सभी। 149 का करेक्ट आंसर निकल रहा है ए, विंडोज 7, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, IBM क्या है गाइस, IBM क्या है,
करेक्ट आंसर निकल रहा है 140 का ऑप्शन नंबर सी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर कंप्यूटर के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।